तो भाई जिम के अंदर पांच यूट्यूबर वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम, मिस्टर नितिन चंदीला, पंकज वर्मा फिटनेस, आदिनागर व्लॉग्स और फिट मंजीत, टाइगर भाई हिमसेल्फ, पांच और छह। ये तो रोड भी घूम रही है। टाइगर भाई क्या कर रहा तुमने? जो ये वो चीज मंगाई जिससे बॉडी थोड़ी सी हिम्मत करके 25-30 सेकंड की क्लिप डाल दी। इतने हरामजादे लोग कह रहे भाई टी शर्ट पहन लो ना, कोई देख तो रहा ही नहीं है। सीपी में जाके देखोगे ना, हर एक बंदा देखेगा। मैंने भाई से डिस्कस करी थी, मैंने भाई एक बार सीपी में जाकर उतार दू, जिम में वो देख मत जाइए। सही बात, आदि भाई नुकरे स्टेज तो मैं भी खेला हूँ। भगवान कसम मैं कह रहा हूँ, जजे मारते मैं ना होता। बताइए क्या खेल रहा? आदि बुला लिया, आदि पहले तो लाइन में पीछे को हो रहा है। आदि बुला लिया, आ जाओ आगे, आपको सुन नहीं रही है। हाँ जी सर। ओके स्टैंडिंग दो। मैंने क्या स्टैंडिंग ना होगा। ओके क्वाड राइट टर्न। मैंने क्या क्वाड राइट टर्न, भाई मां कसम ना हो पाएगा। मैंने अब सुन कुछ नहीं करना। मैंने कहा जज साहब एक मिनट, थोड़ा डर रहा लड़का। मैंने कहा आदि कुछ मत कर, यूं कर दे जैसे तू जिम में कर दे रहा। कह रहा यू बस कैमरे में ही हुआ है, ये कौन है? जज आए। ओके क्वार्टर राइट टर्न, महंगे खड़ो भाई देखना। मन की वहां दिख रहा, वहां मुझे दिख रहा है। मेरे चैनल पर अगर आप आपके लाख लाख कुछ भी मिल जाए ना, मैं वही डिलीट मार दूँ सारा। चलता जब भी ना रहे। नाम भी तो मैंने निकाला था। आदमी को पता होते ना कि मुझे अपने आप को क्या नाम। Hey everybody, welcome back to the channel. This is Miraj Bishoda and guys, आज हमारे चैनल के हो चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे। उसके लिए थैंक यू सो मच, सारे भाइयों को बहुत सारा प्यार और सभी का बहुत सारा आभार। और ऐसी प्यार देते रहो, ऐसी प्यार बनाते रहो। आज जो हम वर्कआउट करने वाले हैं 3 मिलियन स्पेशल पार्टी, बहुत सारे भाइयों ने बोला कि पार्टी दो, तो पार्टी ना देके भाई हम कर रहे हैं हमारा वर्कआउट हमारे नितिन चंदीला भाई के साथ। बैक वर्कआउट करेंगे, देखते रहना फटाफट, ठीक है? अब पार्टी संडे को है, सारे भाइयों को इनविटेशन हमने दे दिया है। हमारा एक मीटअप है संडे को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ मैं स्टोरी में एड्रेस बता दूँगा कहाँ आप सारे भाइयों को आना है। तो फटाफट से सारी बातें छोड़ के करेंगे हमारा वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो भाई वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा ले क्रिएटिन। आधे भाई हमारे पूछते हैं कि भैया क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नितिन भाई बताना, क्रिएटिन का साइड इफेक्ट है कोई? नहीं भाई, क्रिएटिन के अगर ओवरडोज लोगों को सब चीज़ें साइड इफेक्ट है, और लिमिट में और तमीज से लोगों को कोई साइड। ओवरडोज का मतलब ये है कि ओवरडोज दूध या घी भी पी लोगे ना आप, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो ओवरडोज वो है 5-7 ग्राम की, वो है एक तो पहली बात, वो सर्विंग है उसे आप ले रहे हो 15-20, वो गलत है। और मेन एक इसकी साइकिल है, इसे आप 4-5 महीने लास्ट लेके फिर कुछ टाइम का बंद करके फिर दोबारा यूज कर सकते हो। यस, क्रिएटिन बॉडी हमारी अपने आप भी बनाती है, बट बाहर से लोगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाएगी आपकी। दुनिया का सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट यही है, सबसे अच्छा सप्लीमेंट, फादर ऑफ ऑल द बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट कहलाया जाने वाला, क्योंकि हर पुराने से पुराना बॉडी बिल्डर, हर बिगिनर क्रिएटिन यूज करता है। आप भी ले चुके हो, हम भी ले चुके हैं। जब शुरुआत में हमारे पास जिम जाने के लिए प्रोटीन के पैसे नहीं होते थे, उस टाइम में हम क्रिएटिन लेते थे, है ना? तो क्रिएटिन कोई भी मेरा भाई ले सकता है। क्रिएटिन कौन सा? डॉक्टर चॉइस का फ्लेवर्ड क्रिएटिन। बहुत सारे क्रिएटिन आते हैं मार्केट में जो इतने ही रेट के आते हैं बट अनफ्लेवर्ड होते हैं, लेकिन ये फ्लेवर्ड क्रिएटिन है। ऐसे वर्कआउट से पहले भी आप इसको ले सकते हो। हाँ तो भाई टेस्ट बहुत अच्छा है। अरे इसका नहीं कह रहा मैं, तो? मैं अच्छा 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 कह रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा इसका कह रहे हैं भाई। अदर जो होते हैं जो अनफ्लेवर्ड होते हैं, जो अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन होते हैं वो पी के सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है दवाई वाला टेस्ट। पता नहीं क्या हाँ। तो क्रिएटिन कौन सा भाई? डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रूम में एक स्कूप के साथ शुरू करो, 10-12 दिन एक स्कूप लो, उसके बाद 2 स्कूप कर दो पूरे दिन में। कभी भी ले लो, वर्कआउट से पहले ले लो या वर्कआउट के बाद ले लो। प्रोटीन के अंदर डाल के भी इसको पी सकते हो, बिगिनर भी ले सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल वाले भी, और एडवांस लोगों को तो पता ही होगा। लेना नहीं लेना नहीं पता तो किस बात का एडवांस, बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई भी मेरा भाई ले सकता है। प्रोटीन अगर खाने के पैसे नहीं है तो भी आप खाली क्रिएटिन भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके बाय कर लेना। अब हम चलें अपना बैक वर्कआउट करने, लेट्स गो। तो भैया हमारे भाई के साथ वर्कआउट है हमारे, यस मॉन्स्टर भाई के साथ, इंडियन मॉन्स्टर एक ही आजकल, तो चैलेंजिंग वर्कआउट करेंगे। चैलेंजिंग वर्कआउट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक ऐसा, मेरी बैक टूटी पड़ी है थोड़ा सा, रैम का स्लिप डिस्क में से अभी उठाऊँ, मजाक से हट गए। तो हाँ वर्कआउट हैवी कर लेंगे कोई बात ना, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर, ठीक है? चलो बताओ क्या वर्कआउट करवा रहे हो? पहला पहले पुलअप लगाओ, 3 साइड करेंगे। चलो पुलअप नहीं मार पाऊंगा मैं। पुलअप मार नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि भाई चोट लगी पड़ी है कंधे और मेरी बैक खराब पड़ी है। कोशिश कर लेता हूँ जिंदगी में। हाइट बढ़ाने की टाइगर भाई देंगे, हाइट बढ़ाने की टाइगर भाई देंगे ना, मुझसे 2 इंच छोटे हैं।
क्या बताई गुड़ गुड़ खाने बताई ना भाई देख रहे हो कितना मजा ले रहे हैं जब जब 40 साल में जाएंगे दुखेंगे ना जब ये अभी नहीं तले हाँ एकदम बाइट ज्यादा भाई क्योंकि तुम्हें सारों को पता है मुझे सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम है सारा दिक्कत यहाँ नेक पे और नेक पे सारा लोड आ रहा है और नितिन भाई हमारे मान ना रहे मजे ले रहे हैं हमसे हाइट का मजाक ले रहे हैं हमारी का शर्म ना आ रही ना कितने सेट तीन दूसरा कितने रहे आठ जैसे बालक मेरा ना यहाँ 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 पेन है इस पूरे एरिया एकदम खिंचाव पड़ता होगा खिंचाव पड़ रहा बहुत ज्यादा मारता ना मैं वो तो हंस गया ना पहले इस चक्कर मार रहा हूँ बस भी पूरे जिम में बहन चुक क्या था और तो मजा सा ना आता नहीं आता है मजा करके देखना अभी देखता हूँ जितनी ऊपर जाएगा ना नहीं तो आगे जाएगा आगे जा बस हाँ तो भाई पहला वर्कआउट कर रहे हैं लेट पुल डाउन हमारे टाइगर भाई के जिम की नई मशीन पे कौन सी मत कर आगे पेट लगा लो 10-10 किलो तक झुलवा रहे हो यार चलो भाई लगाओ 25-25 किलो ही चलो 25-25 किलो ज़्यादा तो ना हो जाएगी पहले तो मान लें हम ये तो यार बिल्कुल ही हद मचा रहे बहुत लाइट है 25-25 लगाओ भाई इस पे ही लगाओगे 25-25 टाइगर भाई देख रहे हो तो मैं सारी बात झूठी बताई थी मेरे बारे में तुम बदला ले रहे हो ना ये तो ऐसे करते चीटिंग करता है चीटिंग करता चल बैठ जा ठीक है चल एल्बो सीधी मत करो लेकिन आगे जा एल्बो सीधी मत कर लेकिन आगे जा राजवीर आगे पूरा जा जागे हाँ तभी तो खींचेगा लेट्स चल आगे पूरा जा भाई आगे पूरा जा ना हाँ भाई मेरे शोल्डर बारा ज्यादा तुम्हारी कसम कम मारूंगा मैं हल्का मार ले कोई नहीं बैग में ही दिक्कत है बाकी कुछ भी करवा लो कोई ना मेरी बैग अभी रिकवर ना हुई पूरी नितिन भाई ले रहे हैं मजा देख रहे हो यहाँ इसमें नस दब रही है ना यहाँ दर्द है पूरा मेरे ऊपर नहीं जाना आगे पूरा जा आगे पूरा जा ये ना ऐसा रख लेकिन ऐसा मत रहे लट्टू मारे ऐसा अभी हालत वैसी है जो लेट पुल डाउन होती है ना उसमें हमने ग्रिप यहाँ से ले ली और वो पूरा यहीं नीचे आएगा इसमें गिरी पा रही है शोल्डर के बराबर से नीचे आके खुल रही है वहाँ गड़बड़ हो रही है और जब जा रहे हैं तो यही ना इसे क्लोज नहीं करना यही बोल रहा हूँ इसलिए कि भैया एल्बो स्ट्रेट मत कर जब ये ऊपर जाएगी ना इतनी इसके बाद बॉडी आगे ले जा बस वो इसकी हर इंच पे एंगल चेंज है ना तो अगर मैं ये देखो पूरी खुल गई अगर पूरा भी सीधा नहीं कर रहा फिर भी तो ये अंदर जा नहीं सीधा मत कर लेकिन अपने आप को आगे ले जा अपने आप को आगे ला बस अपने आप को आगे ला और ला आगे अपने आप को बस लेके अपने आप को आगे चल लेके अपने आपको हाँ ले जा अपने आपको आगे ये चल शाबाश ले जा गए हाँ ये हाँ एल्बो मत ले जाओ ऊपर बस चलो लगा नितिन थोड़ा सा वेट और वाइड पकड़ी हो ये लग रहा चलो मजा ले रहे हो नितिन भाई तुम्हारे लिए भी वेट भारी है टाइगर भाई के क्या माइक लग रहे हैं एक दो शीशे हैं पूरी टाइगर भाई इसमें तो वो बात भी रिकॉर्ड होगी होगी जो तुम आदि भाई को कह रहे इसके बाद भाई साहब भी है खाली बैग इसके बाद भाई साहब भी ले लेंगे चलो तो भाई जिम के अंदर 5 यूट्यूबर वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम मिस्टर नितिन चंदीला पंकज वर्मा फिटनेस जल्दी आ आदिनागर व्लॉग्स और फिट मंजीत टाइगर भाई हिमसेल्फ 5 और 6 फिट मंजीत भाई जिम का वर्कआउट कर रहे ना तो 6 यूट्यूबर हो गए एक आध कोई और रह गया उस शहर में तो वो भी आ जाओ चलो और ये भाई नितिन भाई ने पहले सेट में 50 किलो डाल दिया 25-25-50 मैं यूँ कह रहा हूँ हमारा चौथा पहुँचता जब जाते हम 50 तक नितिन भाई शुरुआती 50 से कर रहे हैं आज देगी चाहिए 4 महीने में बैक रिकवर हुई है क्या डैमेज होती है
मुझे ऐसा लग रहा है टाइगर भाई हमारे सीधे टाइगर भाई हमारे बहका दिए किसी ने मशीन वाले ने, है ना। नितिन भाई तुम तो मजाक ज्यादा ले रहे हो यार, हम कब से इतनी मजाक करने लगे। चलो ऊपर से हाथ भी तो पहुंचे वहां तक मेरा। अच्छा यहाँ से चलो भाई, एंगल ही ना बैठ रहा तुम्हारी कसम, ऊपर यहाँ आ रही है। अगर रोइंग करोगे ना तो ये नहीं, तो रोइंग करने में यहाँ से पकड़ देगा, ऊपर करना पड़ेगा आपको। देखो ठाकुर साहब ने सपोर्ट है भाई, तुम्हें ठाकुर साहब से मिलवाओ। ठाकुर साहब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठाकुर साहब भाई रियल रियल लाइफ महाराणा प्रताप ढूंढ लिया हमने। देखो 6 फुट कितनी हाइट है, 6 फुट 2 इंच। मैं साइड हो जाता हूँ, मैं दूर से एंकरिंग करूंगा। भाई की थाई का साइज कितना है? 33 इंच। 33 इंच की थाई है अभी तक। 33 इंच की थाई भाई मुझे लगे तुमने देखी ना होंगी, मैंने तो पहली बार देखी है। किसी दिन मैं इनका भाई के साथ लड़ा था लेग स्पेशल से, या तो इधर या उधर। हाँ क्या बात है, ठीक है नहीं भाई लेके चलेंगे या तो इधर या उधर। नेक्स्ट फ्राइडे या ट्यूसडे, ठीक है ठीक है। ठाकुर साहब ठीक है, ठीक है। तो भैया जीतते या तो आप भी करना, कुछ सारे खाने चलेंगे। हाँ किस दिन कितने बजे? फ्राइडे नाइट। दिस जिम और दैट जिम, दिस जिम नो लाइट, उल्टी सब। तो इस जिम के अंदर भैया मैच है लेग्स वर्कआउट का, ठाकुर साहब वर्सेस गुजर साहब, ठीक है। मतलब दोनों भाई हैं ठाकुर साहब, मतलब मैं उनका नाम भूल जाता हूँ यार। आपका नाम क्या? शिवम भाई का और नितिन भाई का मैच है लेग्स वर्कआउट का, ठीक है। चलो आज क्या होगी, कल फ्राइडे आ जाए भाई साहब, कल सैटरडे है। नहीं पता रहती है ना, पता रहती है। अब आ रहा है बैक पे टाइगर भाई, मशीन एक्सचेंज होंगी मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। इस पे भी ना बन रहा एंगल, कल ही चेंज है, भूल गए सॉरी, चिल्पी लाएगी मेरे दिल पे। मैंने बोल नहीं भाई था चिल्पी भाई ने की, मैंने साल चला के देखी है। अरे ये एक्स्ट्रा में आई है यार, सब आप ने ऑर्डर किया भाई ने, अभी 4 दिन रह रही है। कह रहे जो हमने ऑर्डर की थी वो का चलो वो भाई एंगल के साथ, गलत एंगल के साथ स्ट्रगल करते हुए 8 रैप 7 रैप जितने भी निकले पता ना गिन लेना, स्ट्रगल करना पड़ता है। 4 सेट हो गए, ठीक है। चलेंगे थर्ड वर्कआउट की तरफ, चलते रहो और देखते रहो, फ्राइडे को मैच की तैयारी रखो, ठीक। थर्ड एक्सरसाइज बेंट ओवर रोइंग और रॉड का चुम्मा लेते हुए, और आदत पड़ेगी। हाँ इज्जत रखियो जरूर, ओ यू भी इज्जत रखेगी इस बात को, मैं कहूँ तो ठीक भी लगे 20-20 किलो से। क्या रैप मार दी भाई? 15। चलो कैसे करनी नितिन भाई, ऐसे करके ये माथे पे चुम्मा ले कैसे हैं? इज्जत रखनी, इज्जत रखनी। ये तो रोड भी घूम रही है। अब टाइगर भाई क्या करा तुमने, जो टाइगर भाई ये वो चीज मंगाई जिससे बॉडी बनती है, बन जाएगी तुम्हारी। क्या कह रहे हैं, मुझे चुम्मी हुई थी, कह रहे हैं वो चीज मंगाई है जिससे बॉडी बनी ना। हां ये YouTube का फिटनेस चैनल, हमारी क्या, हमारी क्या, हमें तो चैनल एडिट पे जाके एडिट नेम करना राजवीर व्लॉग्स, बात खत्म। जिम गाना बनाने के हम आदि भाई और विटमनजीत भाई की तरह 800-800 रुपये में लड़की लाएंगे, प्रैंक चैनल बना देंगे। के सुनो ये पकड़ो 800 रुपये, आप उधर से आओगी, मैं ऐसे ऐप्स दिखाऊंगा, आप ऐप्स आप ऐसे करना, हम उसमें थंबनेल ले लेंगे, एक प्रैंक हो जाएगा। बहुत बुरी थी ये चीज सोच के, मैंने देखी 2-3 फोटो रिएक्शन वीडियो, मैंने गोवा में जाके टी शर्ट उतारी बीच में, हंट कोई ना देखे, क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके 25-30 सेकंड की क्लिप डाल दी, इतने हराम ज्यादा लोग कह रहे भाई टी शर्ट पहन लो ना, कोई देख तो रहा ही नहीं है।
भाई फिर जाके एडिट कर दी मैंने, छोड़ यार भाई सुनो, ये गोवा में सारे नंगे रहते हैं ना, तो इतना रिएक्शन जाता नहीं, सीपी में जाके देखोगे ना हर एक बंदा देखेगा, नहीं वो भी नहीं है यार, मैंने सीपी वाला, सीपी वाला याद नहीं होता, मैंने ना सीपी वाला याद नहीं, मैंने भाई से डिस्कस करी थी, मैंने भाई एक बार सीपी में जाके उतार दूं, जिम में वो देख मत जाइए, सही बात है, भाई सुनो तुमसे तो बॉडी बिल्डिंग क्लास चल रही है, ये आदमी पंकज से क्लास ले रहा, नू कह रहा मुझे बेशर्मी सिखा, नंगा कैसे डोले रोड पे, पंकज कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सिखा दूंगा, आप ये सोचो रोड पे जो लोग देख रहे हैं वो आप स्टेज पे हो, क्या रिजल्ट है कमर की, कोशिश तो है, सुनो नितिन भाई स्टेज, सुनो नितिन भाई स्टेज की बात बता रहे तो दे आदि भाई चले गए, आदि भाई नु करे स्टेज तो मैं भी खेला हूँ, कौन आदि भाई, भगवान कसम मैं कह रहा हूँ जजा मारते मैंने होता था बताइए क्या खेल रहा, आदि बुला लिया भाई, मेरा फर्स्ट कम दे मैं, मेरा पहला कंपटीशन है पहला, हाँ और दुनिया तो पहले से खेल के आ रही है, पहला कंपटीशन आदि पहले तो लाइन में पीछे को हो रहा है, साढ़े मोह ने बुलावा है, हाँ नहीं एक दो तीन चार पांच आप आगे को आ जाओ, चार गया आदि रुकेगा, आदि शॉर्ट्स पहन का जो पीले रंग का, पीले रंग का ऐसा रहा तेरे देखा ऐसा रहा मैकेनिक ना तो पीले रंग का कच्चा कहीं से कालो सो रहे कहीं से कुछ, वहां पर परेश भी न हो रही, मैंने की तो परेश ना हो सकी भाई, सच्चाई मुझसे कहीं ने बोली, मैंने की भाई था नहीं मजबूरी में करा दिया, अब आदि बुला लिया आ जाओ आगे, आपको सुन नहीं रही है, हाँ जी सर ओके स्टैंडिंग दो, मैंने क्या रही स्टैंडिंग ना होगा ओके क्वाड्रेटर, मैंने क्या रही क्वाड्रेटर भाई मां कसम ना हो पाएगा, मैंने कहा अब सुन कुछ नहीं करना, मैंने कहा जज साहब एक मिनट, एक मिनट थोड़ा डर रहा लड़का, मैंने कहा अभी कुछ मत कर यूं कर दे जैसे तू जिम में कर दे रहा, फिस, फिस। कह रहा यू बस कैमरे में ही हुआ है, ये कौन है पता है, पर पूछ ले थे कह रहा, मैंने कहा आदि क्या हुआ तेरे साथ, तू ऐसे कह रहा भाई माँ का समय ऐसा लग रहा जैसे नीचे एक गन लेके बैठे हैं, और तू हिला तो मैं लगी गोली दब, तो जैसे जज यहाँ बैठे उधर पोज मार रही है, वो क्या हुआ ना, ना ना मैं भाई प्रैक्टिस कराने गया, आदि जीतना है ये करना है, हाँ पीछे थे अपने दिल्ली में देती बातचीत थी, आदि ये करना भाई यार दिक्कत मतलब देखना, आदि आगे को आया देख पहले तो आई ना आदि आगे आगे अब मैं नीचे से गाली सुना रहा हूँ, सारे तो पागल हैं बैठे हैं, पागल तेरे चक्कर में खड़े हुए, आदि आओ कैसे तैसे था आओगा ओके स्टैंडिंग, आदि न दे आदि न्यू कर दे, आदि के कर रहा यार, आदि के कर रहा यार, एक पोज भी तो मारा आदि ने, क्वार्टर राइट टर्न, जज ऐसे बैठे पोज जा रहा उधर ऐसा ना जज यहाँ ओके क्वार्टर राइट टर्न, महंगे खड़ो भाई देखना मन की वहां दिखा वहां मुझे दिखा रहा भाई देखना, अब जैसे जज की मजा है रुक जा, अब मन की भूत थोड़ी है ये पोज मार दे क्या हो गया, कह रहा भाई मेरा पहला कंपटीशन है, मन की सारे दुनिया में सबका पहले ही हुआ यार, पहला मंडप पहला कंपटीशन पहली जिंदगी पहला प्यार सब कुछ पहले हुआ क्या हो गया, डर क्यों रहा है मन की यार, आदि मुझे तो सच में मुझे ऐसा लगा कि बदना जाते स्टेज पे फाड़ देगा, क्योंकि रोज जिम में ओए एक मिनट छोड़ जाओ पोज ही मारन दो भाई, टी शर्ट उतार कर रोज करे कर ना शीशे के आगे रील और पूरे पोज आवा, एक मिनट बैक कर दिखाओ भाई साहब, उनने कही ओके डिसीजन देते आप पीछे हो जी, आदि ने दे न्यू गेट की मारी, गेट की मारी सु मैं कैसे दे दे तेरा जरा कुत्ते ने पड़ जाए पीछे आदमी न्यू चला सु सु आदि न्यू मैं यार ये देख रहा हूँ कहाँ मन की फिर मैं भगा भगा गया क्या हो गया ये वो आदि कोई नहीं अभी हिम्मत करेंगे भाई मेरी ना थोड़ी हालत सिकरा हो रही है मैं भी आ रहा हूँ ठीक है आदि आ रहा है आ जा रहा आदि 2024 में ओ भाई तू डरना सच बताइए तू चल मैं झूठ बोल रहा हूँ तू बता तू तुझे कैसा फील हो रहा वादी स्टेज पे वादी भाई कुछ सारा नहीं सर नहीं देखो जो सच है इसने नहीं बताया मुझे कि भाई मुझे डर लग रहा इसने बताई देखो कैमरे भी इतने ऑन है मैं किस किस से वीडियो करता हूं ना खुद ने बताई कह रहा भाई मुझे ऐसा लग रहा तू गन लेके बैठे जज तू हिलाने लगी तो मैं भट्ट आ रहा आदि क्रॉस लगा दे कंपटीशन नाम की चीज पे देखो कितने लग रहे हैं भाई भाई लेकिन अंदर क्वालिटी है सिक्स पैक हमेशा बना कर रखता है ये तो है दोबारा से 14 सेट ले रहे हैं भाई क्योंकि हमारे पिछले सेट में माइक एक्सचेंज हो गए जिम में इतने माइक घूम रहे हैं माइक ही ना पता पड़ रहा कौन सा माइक किसका
क्या मुझे ऐसा शक हुआ, मेरे दिमाग में इंट्यूशन आई, पूरी वीडियो खराब हो जाती। जय बाबा, जय बाबा। नितिन भाई पेट में मारनी है ना नोट, पेट में मारो, पेट दो तीन बार नीचे टप्पा खा रहा है टप्पा। तुम्हें डाइटिंग कब करी तुमने? मैंने तुम्हारी दो तीन वीडियो देखी कि मैं डाइटिंग पे हूं भाई, गली पूरी बोल कर रहे यार लास्ट में डाइटिंग कब करी लास्ट दाढ़ी मूछ तो वैसे के डेढ़ दो साल तक दाढ़ी मूछ ही बचा रही है तो 12 सेंटीमीटर तक तो बड़ा जैसे पड़ता। मैंने कब कही कि मैं डाइटिंग कर रहा हूं? अरे चैलेंज चलाया हमने कोई, कब चलाया, कब कोई पिछली आ गई हुई पिछली होगी फिर। मैं तो दिन का चैलेंज चलाया था ना कोई लास्ट, तुम किसी और की देखे? अरे नहीं, तुम वो वाली कर रहे हो, परसों मुझे लौंडा मिला, यूं करा भाई, उसकी पहचान ना मैं यूं करा फिर भाई। आप वही हो ना राजवीर खत्री मैं वही हूँ राजवीर खत्री तो तुम किसी का मिक्स देखे है? 30 दिन का तो मैंने कभी भी नहीं चलाया, वो तो बहुत पुरानी है हो। वो जब की अगस्त की है वो। लगता जब भी नहीं करी था अगस्त, अभी तक 3 महीने पहले तो जब से बेड रेस्ट पे भी तो हूँ मैं। वैसे मुझे फोटो भेजना है उसकी, घर में टीवी चलता रहेगा उसमें मेरी वीडियो चलती रहेगी, उसकी फोटो भेजना भाई, तुम्हारी वीडियो मेरे घर में रोज चला है। वैसे नहीं ना पता मेरी कमर टूट गई 3 महीने से रेस्ट पर, टूटी थी मैंने डॉक्टर के आज में आदि भाई ने तुम्हारा पूरा साथ दिया था, ये भी देखी थी फिर एक सर पतंग का जो ध्यान पूरे रही एक सही मार रहा वो फंस गया आज वो हमारी घर वीडियो बना था। भाई अब चलो भाई, कमर बहुत दुख रही है, क्या करवा दी तुमने आज, बहुत ही दर्द हो रहा भाई। हमें तो आप एक थोड़ी जमा आपके लिए आए हैं, देखो तुम दूर से कुपोषण वाले कौन है आदि भाई? एक तरफ कुपोषण वाला, एक तरफ एथलीट, तुम्हारा पार्टनर बताओ। सुनो तुम्हारी कसम वीडियो में भी आई है, मेरे चैनल पर अगर आप आपके लाख लाख कुछ भी मिल जाए ना तो वही डिलीट मार दो सारा, चलते जब भी ना कम से कम गवर्नमेंट में चाहूँगा आदि भाई के ऊपर चैनल डिलीट कर दिया। हाँ, 3-3 लाख का चैलेंज भी धर दिया जब भी नहीं चलने वाला क्या है बनाम रोइंग, ये कैसी झूठी स्माइल दिया, ओ देखो तो जरा। चलो मैं हाईएस्ट डंबल 40 किलो है, नितिन भाई ने पहले ही सेट 30 से मार दिया, हाईएस्ट 35 है। अरे भाई तुम जगह ही बड़े डंबल मंगा लेना मेरे लिए, क्या हुआ उनका 50 किलो के का? अरे जब तक पूरा भाई मेरे की राजवीर की जेल में 50 किलो लिख के रख दे, राजवीर जब ना उठा भाई ये बहुत मजा ले रहे हैं आज, नहीं डंबल तो बहुत दूर है भाई, राजवीर भी लग जाएगी यार तेरे सच्चे इतना सही। ये भैया कह डंबल की बात कर रहा हूं, तेरे जेब में 50 किलो लिख के रख दो जब ना उठा। ओए भाई तुम भी बता दी क्या के काट रहा है ऐसा ना टाइगर भाई, जरूरी है टाइगर भाई सुनो, मैं तो नहीं की चुप्पी चुप सुन रहा हूं, मैं तो कुछ कह ही ना सकूं, फिर अनफॉलो मार दूंगा, मुझे नाराज हो गया नाराज हो गया अनफॉलो मार रहे हैं फिर कह लो भाई कोई बात ना भाई, कोई बड़ी बात नाराजगी अपनों से होती है पर आज तो कहीं मरा। सही बात सही बात। अरे मान्य भाई जितने लगा 10 बस लास्ट सेट तो है और कुछ कॉपी मिलता मार दो 3 4 4.5 ज्यादा मार दिए क्या मारे साढ़े चार तक गिने तुमने हाँ। सेट हो गए चार चार हो गए खत्म, एक एक और ले लो, पांच पांच मार ले।
चार चार सेट बहुत है। अब और भी कुछ है बस भाई खत्म। अब क्या लेना है? लोअर बैक के लिए कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग सेट्स हाइपर ठीक है। पहले आपका है वो तो करके बैठो अपनी सारी। कौन शेरवानी उठ गई? अरे वाह आई लाइक इट। हमारी पांचवी एक्सरसाइज है शायद। एक दो तीन चार हाँ पाँच पांचवी हमारी लोअर बैक के लिए। उसके बाद नितिन भाई भाई साहब मारोगे? ऐसे मारोगे तो मार लेना। मैं हाँ देखो मैं हैवी करवाऊंगा भाई साथ की बात है। आया ना मतलब मेरे साथ वर्कआउट करके आज ठीक है। तो उसके बाद थोड़े थोड़े भाई साहब के भी लेंगे। ये देखो राजू तो करना पड़ेगा कुछ। कोई बात ना आज मैं लग तो बहुत टाइम से नहीं करूंगा आज घर जाते ही। टाइगर भाई टाइगर भाई नहीं नहीं आज जाती घर जाती कर दूंगा। तुम्हें भी अनफॉलो रही मैं भी अब फिर नु कह दूंगा अपनों सही देख रहे नाराज। सोचो तो डेली हूँ पर जो परांठे पीछे नहीं छोड़ रहे। बहुत तगड़ा वर्कआउट होगा आज का कांड। ऐसा भी वर्कआउट शिवम भी ना करता होगा जैसा हमने करा आज। तो अपनी चौथी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हाइपर टेंशन पांच ही है पांच ही खत्म पांच ही बैठ जाते ना करो बस भैया कितने लिया करेगी। अरे घर जाके रोक लो। हाँ ये भी है मेरे साथ भाई सब थोड़ी कर पाओगे तुम बहुत जान चाहिए शरीर में। क्या आज 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 क्या कह रहा ले 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 बता क्या कह रहा क्या ड्रामा है तो भाई क्या मैंने कही होगा बैक की वर्कआउट तुम्हारी बहुत बढ़िया चली है। देख इसमें नो डाउट। हाँ इसमें तो नो डाउट और तुमसे भी ज़्यादा अच्छी हमारी इसीलिए चेस्ट की। अपने आ रहे हो तो वो अलग बात है ना। एक्सरसाइज अपने टाइम पे करो टाइम पास कर रहे हो तुम कौन सी बताइयो देखियो कौन सी बताई कुपोषण की नाम भी तो मैंने निकाला था रहने दो नाम भी तो मैंने निकाला था। आदमी को पता होते ना कि मुझे अपने आप को क्या नाम है। मैं नितिन भाई आज क्या खा खाए आज तो कुछ खा खाए आप ठीक है यार। ये तो हंसी मजाक ज्यादा कर रहे हैं मैं वर्कआउट कर रहा हूं। छह सेट में ज्यादा लोगों ने हाइपर एक्सटेंशन डाल दिया पेट भी कम हो जाए पहली बार। मैं ऐसे कर रहा हूं वर्कआउट टाइगर भाई के हाथ यहां करियो मेरी जहद देखने को। ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन नहीं आप सुना देंगे प्रॉपर रगड़ रहा हूं नीचे भाई। इसके बाद मैं तो बाइसेप्स करूंगा। नितिन भाई ने साथ छोड़ दिया थक गए ना कोई मुझे 40 के डंबल 40 के नहीं है क्या? अरे यार शिट फिर मुझे 12 किलोस करना पड़ेगा फक। तो भाई क्योंकि जब हम बैक वर्कआउट करते हैं तो हमारे भाई साहब भी थोड़े थोड़े पंप हो जाते हैं। थोड़े थोड़े पंप को और ज़्यादा पंप करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज आप बैक के साथ कर सकते हो। यस तो भाई वर्कआउट में आ गया बहुत मजा और बैक टाइगर भाई टूट गया। नितिन भाई साथ वर्कआउट करके तो नितिन बड़ा बिगड़ा उससे तगड़ा बिगड़ा है। बड़े कहाँ हैं मेरे छोटे पांच उम्र में नहीं साइज में साइज में साइज में स्ट्रेंथ में हर चीज़ में रेगुलर जा रहा है। देखो वर्कआउट में ना हाँ आप रेगुलर नहीं हो नितिन रेगुलर है हाँ और ऊपर सब कर रही है तगड़ी एक्सरसाइज है। तो भाई सारी बात ठीक है। ये नितिन भाई अभी यूँ कह रहे जब तुम उधर है यूँ कह रहे कैसी मशीन लिया है टाइगर भाई मज़ा ना आ रहा मशीन चेंज कर देंगे यार कब चेंज होंगी मशीन तो गलती आ गई है उसने इसलिए भेजी थी क्योंकि उसके पास आई नहीं है अपने जो नॉर्मल बैक पुल डाउन थी। अच्छा जो बैक पुल डाउन होते ना फ्रंट बैक पुल मारते हैं वही है तो जो पुराने वाले जिम में वो बहुत तगड़ी है वही है ना वो तो सारी मशीन अच्छी तो वही। तो भाई वर्कआउट वीडियो हमारा वर्कआउट भी खत्म हो गया। वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच नितिन भाई इतना तगड़ा वर्कआउट करवाने के लिए और बीच में साथ छोड़ने के लिए क्योंकि बाइसेप्स और करवा देते तो पता ना कल मेरे हाथ भी सीधे ना होते। मैंने अपने आप से 3 एक्सरसाइज मार ली थोड़ी थोड़ी 3-3 सेट की। और टाइगर भाई थैंक यू सो मच लव यू। सारे भाइयों के साथ इतना कोऑपरेट करते टाइगर भाई। सुबह 4 बजे खड़े हो? सुबह 4 नहीं सांझ को 4 सुबह मैं उठगा 9:30 बजे शाम 4 बजे खड़े हैं जिम में मेहनत कर रहे हैं भाई सबके साथ वर्कआउट भी करवा रहे हैं जितने भाई आ रहे हैं उनकी वीडियो भी बनवा रहे हैं
तो बहुत कोऑपरेटिव इंसान है भाई हमारे, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में, बाय।